आर्टिस्ट तो शूटिंग कर रहे हैं अभी, कल्लू जी इसके हीरो हैं, वो अभी यूपी में शूटिंग कर रहे हैं। मैं बॉम्बे में था इसलिए मैं आ गया, और आर्टिस्टों का आना ऐसा कोई लाजिम नहीं था, कुछ प्लान तो था नहीं कि आज प्रमोशन में लोगों को आना है। आ गए हम, आ गए बस, हो गया। आप तो अकेले क्या, हम कम पड़ रहे हैं? बिल्कुल, आप अकेले सोफे पर। लंगटा यादव आ गया तो बाकी लोगों को क्या? लंगटा यादव बहुत दिनों बाद विलेन का रोल किया हूँ इसमें, नहीं तो मेहंदी लगा के रखने के बाद पॉजिटिव पॉजिटिव बहुत किया। आवारा वाले में एक बार विलेन का रस पुनः चख लिया, मज़ा आया, विलेन करने में बहुत आनंद आता है। लंगटा यादव अलग किस्म का विलेन है, ये तो प्रकाश राज टाइप का विलेन है, थोड़ा कॉमेडी भी कर देता है। हाँ हाँ, नाम ही लंगटा है, हमारे यूपी बिहार में बोला जाता है लंगटा, लंगटा ही करना नहीं छोड़ता है। लंगटा कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, मतलब लंगटा है तो वो कुछ भी कर लेता है, और वैसा इसमें कुछ किया है। चंदन ने बड़ा अच्छा काम करवाया है, चंदन ने अच्छी सोच रखा था इस फिल्म में, स्पेशली विलेन के किरदार को लेकर के बहुत प्लानिंग किया था। अब उसमें मैं कितना खड़ा उतरा हूँ ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मज़ा आया काम करके, बड़ा मज़ा आया। आपके इंडस्ट्री में जो आपके दोस्त होंगे, जो दोनों ने फिल्म देखी होगी, मुंबई खासकर रिलीज होगा, उनसे कुछ प्रतिक्रिया मिल रही है फिल्म को लेकर? फिल्म को लेकर प्रतिक्रिया मिल रही है, चूँकि अभी हमारी इंडस्ट्री ही कुछ ऐसे दौर से गुजर रही है कि बहुत ज़्यादा प्रतिक्रिया की उम्मीद की नहीं जा सकती है। फिलहाल एक फिल्म अभी आई जो इस रेगिस्तान में थोड़े पानी के दो चार बूंदों का काम किया, उसका नाम है बॉर्डर, जिसने पुनः सब दर्शकों को सिनेमा हॉल की तरफ आकर्षित किया है। तो बॉर्डर ने जो अभी मुहिम छेड़ा है, उसके बाद अब फिल्मों में प्रतिक्रियाएं जो अच्छी अच्छी दिख रही है, लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, और आज इसी का नतीजा है कि आज सिनेमा हॉल में दर्शक आए हैं, आवारा बलम देखने आए। नहीं तो इसके पहले जो फिल्में आई थी उसमें तो पब्लिक ही नहीं आती थी, सब पूरी इंडस्ट्री घबरा गई थी। बॉर्डर के बाद पुनः लोगों का आकर्षण सिनेमा हॉल की तरफ बढ़ा है, तो ये बड़ी खुशी की बात है और अच्छा है। बस दर्शकों की दुआएं ऐसे ही मिलती रहे सिनेमा हॉल को। ये हमारे डायरेक्टर साहब चंदन उपाध्याय जी आ गए, बड़े बड़े जुझारू डायरेक्टर हैं ये। प्रोड्यूसर साहब भी आ गए हमारे, निशिकांत जी, हेमराव। अब जैसे बीच में आएंगे तब ना हम लोग तो उसके बाद लंगटा यादव तो हीरो से बड़ा मेरा लंगटा यादव ही फिल्म में। वैसे भी इंडस्ट्री में इससे बड़ा विलेन तो कोई है नहीं, और लंगटा ही में तो खैर नाम जाना माना पहचान है उनका, अवधेश जी का। और एक्चुअली जब मैं स्क्रिप्ट कर रहा था तो मैं सोच रहा था कि किसको करा सकता हूँ ये कैरेक्टर, क्योंकि बड़ा ही वो डिफरेंट और फ्लेक्सिबल कैरेक्टर था, जो कभी हंसता भी है, अचानक से गुस्सा भी हो जाता है, अचानक से किसी को मारने भी बैठता है, और वो कभी बैठ के वो कुछ कुछ खेलने भी लगता है, तो अजीब सा कैरेक्टर है। तो लिखते वक्त एक ही दिमाग में आया था कि वो अगर कोई कर सकते हैं तो मेरे, चूँकि मैं जब असिस्टेंट था तो इन्होंने बोला भी था कि चंदन जब अपनी फिल्म पहली करना तो मैं करना चाहता हूँ, तो मैं लिखते वक्त एक दिमाग में था कि भैया को कराना है मुझे। तो और जब मैंने इनसे बोला तो बोला ये मुझे, मेरे लिए खुशी की बात है कि तू पहले फिल्म कर रहा है, तो इतना सपोर्ट उन्होंने इस फिल्म के लिए किया, और आज जो फिल्म का क्वालिटी है या लोग चर्चा कर रहे हैं तो उसका कहीं ना कहीं एक रीज़न अवधेश भैया भी है, और इन्होंने बहुत फिल्म को लेकर मेहनत किया, बहुत चैलेंजिंग जो कैरेक्टर था उनको प्रॉपर परफॉर्म किया।